जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है बच्चों आप मेरी? यस मैम। अच्छा जी बच्चों, आज हमारा बेसिकली सेवेंथ लेक्चर है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आई डोंट नो आप में से कल काफी स्टूडेंट जो थे वो एब्सेंट भी थे। मैंने आप लोगों की अटेंडेंस तो मार्क कर दी है, लेकिन फॉर द यस्टरडेज लेक्चर्स ओनली, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने असेसमेंट प्लान देखा हुआ है, जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं वो जो 5% है आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स वो वहां से डिडक्ट होंगे फिर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कुछ एक्सरे पैथोलॉजिकल कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, और हमने एक्सरे फिल्म्स ईच एक्सरे फिल्म को डिस्कस किया था, और उसे मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी आपसे स्पॉटिंग जो है अगर प्रैक्टिकल स्पॉटिंग जब आपकी होगी तो उसमें आपसे इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे कि आपने साइड ऑफ द बॉडी भी बतानी होगी एक्सरे की, उसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है वो भी बतानी होगी, और क्या आपको उसमें नॉर्मल फीचर्स नजर आ रहे हैं, कौन से जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं वो भी आपने बताने होंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली आज हमारा एक्सरे का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है जी। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस द अपर लिम एक्सरेज, चेस्ट एक्सरेज एंड एब्डोमिनल एक्सरेज, ठीक है जी। लास्ट लेक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था लोअर लिम के एक्सरेज, ठीक है। जो लोअर लिम में हमारे मेजर जॉइंट्स हैं जैसे कि नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है और एंकल जॉइंट है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो नॉर्मल आपने एनाटॉमिकल मार्किंग्स अगर एक्सरे के ऊपर करनी हो तो वो आपने किस तरह करनी होती है, और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है, ऐसी इंडिकेशंस है जिसमें हमें एक्सरे जो है उसको रिकमेंड करना होता है, ठीक है। इसी तरह से आज जो है वो हम अपर लिम के लिए इसी तरह से इंडिकेशंस पढ़ेंगे, चेस्ट एक्सरे से रिलेटेड पढ़ेंगे एंड एब्डोमिनल एक्सरे। अच्छा जी, ये अब आपको नजर आ रहा है कि बेसिकली आपका हैंड का जो है वो एक एक्सरे है, ठीक है। इसमें अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने रिस्ट या हैंड का एक्सरे कराना हो तो उसमें आपके पास क्या जो है वो, नहीं सॉरी, ये जो है वो हमारे पास एक सिंपल स्लाइड थी, ठीक है। बेसिकली जो कि हम अपर लिम के एक्सरे जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि आप सबने जो है वो चूंकि अनाटमी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके कौन कौन से जॉइंट्स जो है वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, कौन कौन सी बोन्स जो है वो कौन कौन से जो है वो मिलके कौन कौन से जॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपने अपनी एनाटॉमी जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ओके जी, शोल्डर रेडियोग्राफ्स आर परफॉर्म्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडिकेशंस इंक्लूडिंग, ठीक है जी। अब आपसे ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि अगर आपने शोल्डर एक्सरेज कराने या रेडियोग्राफ कराने हैं तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम पेशेंट को जो है वो जरूर रेफर करेंगे कि आप वो एक्सरे जो है वो करवा के आए, ठीक है। तो नंबर वन आ रहा है हमारे पास शोल्डर ट्रॉमा, ठीक है जी। कोई भी ट्रॉमा हो गया है, पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ आया है और आपको लग रहा है कि उसका शोल्डर जो है उसको वहां पे ट्रॉमा ने हिट किया है, तो आप पेशेंट को जरूर क्या करेंगे, एक्सरे रिकमेंड करेंगे। बोनी टेंडरनेस एट द ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट या रीजन, ठीक है। पेशेंट आता है और आपको जो ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट है या जो ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट का रीजन है वहां पे पॉइंट आउट करके बताता है कि मुझे जो है वो टेंडरनेस है, मतलब टेंडरनेस बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे आप पेशेंट को टच करते हैं तो वहां पे उसको दर्द फील हो रहा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टच टू टेंडर। या इसके अलावा ये होता है कि जो बोनी टेंडरनेस है वो बेसिकली क्या है कि जो बोनी प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, वहां पे जब आप पेशेंट को टच करते हैं या वैसे ही पेशेंट आपको बताता है कि उसको इस एरियाज में जो है वो क्या है पेन आ रही होती है, तो वो जो बोनी टेंडरनेस आ रही है इसका मतलब है कि कहीं पे अंदर जो है वो बोन का या कोई फ्रैक्चर हुआ है या कोई जो है वो डिसलोकेशन है या कोई सबलक्सेशन है, ठीक है, या सिंपल कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो इस कंडीशन में भी आप पेशेंट को एक्सरे जो है वो रेफर करोगे। देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर का नाम, ठीक है। तो आप देखिए जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें सबसे ज्यादा लिमिटेड जो होता है पेशेंट का वो होता है ये है कि उसकी एबडक्शन और रोटेशन जो होती है, ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन वो लिमिटेड होती है। तो जहां आपको लगता है कि पेशेंट रोटेट नहीं कर पा रहा अपने शोल्डर को, ठीक है, और इसमें पेशेंट आपको आके ये नहीं बताता कि मैं रोटेट नहीं कर पा रहा, पेशेंट आपसे ये कहता है कि मुझे जो है वो कपड़े उतारने पहनने में मसला आ रहा है, ठीक है, मुझे कॉम्बिंग करने में मसला आ रहा है, मुझे शावर लेने में मसला आ रहा है, ठीक है, इस तरह की वो आपको कंडीशंस बताएगा। तो डेफिनेटली जब आपको ये पेशेंट बता रहा है कंडीशंस तो आपको पता है कि ये सारी वो एक्टिविटीज है जिसमें शोल्डर की रोटेशन जो है वो इन्वॉल्व होगी, तो इसका क्या मतलब है, पेशेंट की रोटेशन लिमिटेड है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो उसका कैप्सूल है वो रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, ठीक है, या कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो रहा है, तो
तो वहां पे भी आप क्या करेंगे, शोल्डर रेडियोग्राफ जो है वो पेशेंट को रेफर करेंगे. देन इंस्टेबिलिटी, ठीक है जी, पेशेंट जो है जिसे जिसको हम कहते हैं हैंग बाय द आर्म, आर्म हैंगिंग बाय द साइड, ठीक है, या आर्म हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द बॉडी, इसको भी हम कहते हैं. उसमें ये होता है कि पेशेंट की इंस्टेबिलिटी आ जाती है. इंस्टेबिलिटी के भी नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है कि पेशेंट के स्कैपुला के जो मसल्स हैं वो वीक हो, ठीक है, या कोई स्कैपुलर इंजरी है जिसकी वजह से पेशेंट का शोल्डर है जो है वो उसके उसकी स्टेबिलिटी जो है वो लॉस हो गई है, ठीक है, या ये हो सकता है कि जो रोटेटर कफ के मसल्स हैं वो वीक है, या इसके अलावा जो आपके लिगामेंट्स अटैच है शोल्डर के साथ वो जो है वो कोई वीक है या उनमें कोई टियर आ चुका हुआ है, ठीक है. तो कोई भी एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसको अपने शोल्डर को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा होगा और आपको उसकी इंस्टेबिलिटी नजर आ रही होगी. तो वहां पे भी आप क्या करेंगे कि देखने के लिए कि क्या रीजन है उस इंस्टेबिलिटी का, आप पेशेंट को शोल्डर का एक्सरे रेफर करेंगे. सस्पेक्टेड डिसलोकेशन, ठीक है जी, डिसलोकेशन अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर सुना है, देखा है, तो उसमें हमने डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की डिसलोकेशंस होती हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर, ठीक है जी. तो अब अगेन पेशेंट अगर आपके पास आता है और आपको लगता है कि वहां पर उसकी डिसलोकेशन जो है वो सस्पेक्टेड है, तो अगेन फिर हम जो है वो कन्फर्म करने के लिए कि किस टाइप की इसकी डिसलोकेशन है, ठीक है जी, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है या इन्फीरियर है, हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक्सरे रेफर करेंगे. देन एसी जॉइंट इंजरी, ठीक है जी, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, अगर उसकी कोई इंजरी हो तो उसमें भी हम पेशेंट को जो है ये जरूर रेफर करेंगे एक्सरे, ठीक है जी. और उसके अलावा स्कैपुला का ट्रॉमा, ठीक है जी, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है जिसमें जाके उसने स्कैपुला को पेशेंट का हिट हुआ है, तो अगेन आप शोल्डर एक्सरे करवाएंगे और उसमें हम स्कैपुला को जो है वो देखेंगे कि उसकी क्या कंडीशन है. देन सस्पेक्टेड आर्थराइटिस, ठीक है जी, पेशेंट आपको जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको जो है वो जो उसके लार्ज जॉइंट है बॉडी के या स्मॉल जॉइंट्स है उसकी बॉडी के, वहां पे आपको आर्थराइटिस के साइंस नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि पेशेंट आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है. तो उसकी बॉडी में जब आपको पता है आर्थराइटिस होता है तो डीजनरेटिव चेंजेस जो है वो हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाती है, ठीक है. तो आपने उस केस में भी फिर जरूर पेशेंट को जो है वो एक्सरे जो है वो रेफर करना है देखने के लिए कि अगर डीजनरेटिव चेंजेस आ रही है तो वो किस लेवल तक जो है वो जा चुकी है, ठीक है बच्चों. तो ये कुछ स्पेशल इंडिकेशंस हैं और ये सारी आपको जो है वो एटलीस्ट आनी चाहिए, क्योंकि जब आपसे वाइवा में ये तरह पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स यूजली एक दो बता के खामोश हो जाते हैं, ठीक है. तो बेटा देखिए, हर इंडिकेशन जो है वो दूसरी इंडिकेशन से डिफरेंट है, इससे आपको ये सारी इंडिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए. ओके जी, ठीक है बच्चों, जैसे हमने लोअर लिम का पढ़ा था, इसी तरह से ये अपर लिम में हमारे पास जो एक्सरे है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली आपको ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट जो है वो शो कर रहा है. अब इसमें आपको अगेन जो है वो उसकी लेबलिंग जो है वो आनी चाहिए, ठीक है जी. ये हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है और उसके अलावा ये कोरकॉइड प्रोसेस है, दिस इज ग्लेनॉइड फोसा, यहाँ पे हम स्कैपुला का लैटरल बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये मीडियल बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है, ये मीडियल बॉर्डर हो गया, उसके बाद फिर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ओके, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ है, हेड ऑफ ह्यूमरस किधर है, एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस किधर है, ठीक है जी, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल ग्रूव, लेसर ट्यूबरकल, सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है. अब जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि बोनी टेंडरनेस, ठीक है, तो पेशेंट आपको यूजली शोल्डर के केस में जो बताता है ना बोनी टेंडरनेस, वो आपको दो जगह में बता रहा होता है, ठीक है, या तो वो आपको ये ग्रेटर ट्यूबरकल वाली जगह में हाथ रख के बता रहा होता है, ठीक है, या ये आपको जो लेसर ट्यूबरकल है इस पॉइंट पे हाथ रख के जो है वो आपको बता रहा होता है, ठीक है, इन केस ऑफ द ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट. लेकिन अगर उसका कोई एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो अफेक्टेड हुआ हुआ है तो वो फिर आपको बॉडी टेंडरनेस यूजली जो बता रहा होता है वो एक्रोमियन प्रोसेस के लेवल पे जो है वो बता रहा होता है कि वहां पे उसको बॉडी टेंडरनेस फील हो रही है, यानी कि जो बोनी प्रोजेक्शंस है वहां पे उसको पेन जो है वो आ रही है, ठीक है बच्चों. तो ये अब आपने जो है वो इसकी लेबलिंग जरूर देख लेनी है और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिस केस में हमने पेशेंट को शोल्डर का एक्सरे जो है वो रिकमेंड करना है. Okay, then next comes the elbow X-rays are indicated for a variety of settings, including trauma. ठीक है जी, बच्चे जब हमने पढ़ा था X-ray, ये हमने बल्कि first introductory lecture में ही मैंने आपको बता दिया था कि जब भी कोई trauma की history होती है, accident की history होती है, तो जो first line diagnostic tool होता है हमारे पास, that is basically X-ray. ठीक है, तो ये तो बात आप लिख लें गई में कि जब trauma हुआ है तो X-ray तो हमने करवाना ही करवाना, ठीक है, चाहे patient आपको stable नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, जिस condition में भी आपने X-ray एक दफा करवा के खुद को क्लियर कर लेना है और पेशेंट को सेटिस्फाई कर लेना, ठीक है जी. देन अगेन बोनी टेंडरनेस, यूजली एल्बो के केस में हमारे पास जो ऑलिक्रॉन एंड प्रोसेस होता है उस पॉइंट पे पेशेंट आपको बोनी टेंडरनेस के लिए बताएगा. देन सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल रेडियस एंड अल्ना, ठीक है जी, प्रॉक्सिमल रेडियस एंड अल्ना का अगर आपको लगता है कि फ्रैक्चर है, जो कि हमने बहुत दफा डिस्कस किया हुआ है,
के फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड इंजरी जो होती है जिसको हम कहते हैं FOSH, ठीक है। उसके केस में हमारे पास रेडियस और अल्ना का जो है वो फ्रैक्चर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि पेशेंट को इस तरह की इंजरी के साथ आया है तो आप उसको एक्सरे जरूर रिकमेंड करें। देन सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस, ठीक है जी। अगर ह्यूमरस का कोई फ्रैक्चर है, डेफिनेटली अगर एल्बो पे पेशेंट की कोई इंजरी आई है तो जो डिस्टल ह्यूमरस है वो भी उसमें साथ जो है वो इन्वॉल्व होगी। देन रेडियल हेड डिसलोकेशन, ठीक है, बहुत रेयर होता है रेडियल हेड डिसलोकेशन, लेकिन होती है। और यूजली किस केस में होती है, जो हम बच्चों को पकड़ते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 3-4 साल के बच्चों को हाथ से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है ना, रिस्ट से पकड़ते हैं और फुल उनके ज्वाइंट पे जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन फोर्स देके तो जो है वो बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे फिर हमारे पास रेडियल हेड होता है, उसकी डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं। उस केस में भी हम एक्सरे करवाएंगे। ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, ठीक है, कोई भी आपको डिफॉर्मिटी नजर आ रही है एल्बो के लेवल पे, तो आप उसको कंफर्म करने के लिए कि ये किस लेवल की डिफॉर्मिटी है और जॉइंट अपनी जगह से कितना ज्यादा जो है वो डिफॉर्म हो चुका है, उसके लिए भी हम एक्सरे करेंगे। देन डिटेक्टिंग जॉइंट एफ्यूजन्स, ठीक है, कोई आपको लगता है कि पेशेंट का इन्फेक्शन हुआ है जॉइंट में, ठीक है, तो वहां पे कितना फ्लूइड जो है वो एक्युमुलेट हुआ है उसको देखने के लिए भी हम एक्सरे करवा सकते हैं। देन इन्फेक्शन एंड आर्थराइटिस, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको शोल्डर के केस में बताया कि जब आर्थराइटिस हो जाता है तो जो बॉडी के मेजर जॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें डीजेनरेटिव चेंजेस के चांसेस नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको फर्दर रीकन्फर्म करने के लिए हम एल्बो एक्सरे जो है वो जरूर करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये होगी हमारे पास इंडिकेशंस फॉर द एल्बो एक्सरे, ठीक है जी। ये है ओलिक्रिनोन प्रोसेस का फ्रैक्चर जब होता है एल्बो, मैम ओलिक्रिनोन जो है प्रोसेस अल्नर पे उसका फ्रैक्चर होगा तब भी उसका एक्सरे करवाएंगे ना, अगर हाइपर एक्सटेंशन की कोई पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है कोबरा पोज में तो वो आया हमारे। नहीं देखिए, ये तो मैंने आपको ना कुछ कॉमन इंडिकेशंस बताई हैं, इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ इंडिकेशंस, ठीक है। और उसके अलावा ये होता है कि पेशेंट की कंडीशन पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, कभी कभी ये होता है कि पेशेंट आपके पास जो है वो मल्टीपल कंडीशंस के साथ आ रहा होता है, तो वो फिर हम ना पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये कुछ मैंने आपको स्पेसिफिक कंडीशंस बताई हैं, इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ इंडिकेशंस। और उसके अलावा देखिए बेटा, मैंने इसमें यहाँ पे भी पोस्ट ऑपरेटिव नहीं ऐड किया हुआ, जब कोई सर्जरी होगी तो सर्जरी के बाद भी आपको पता है जब कास्ट लगती है, पीओपी कास्ट लगती है, प्लास्टर लगता है पेशेंट को, तो उसके बाद भी हम उसको जो है वो रिपीटेडली एक्सरे करवाते हैं ये देखने के लिए कि बोन की हीलिंग जो है वो कितनी हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से फ्रैक्चर के केस में भी हम करा रहे होते हैं, तो वो नंबर ऑफ कंडीशंस है, ये कुछ एक बेसिक इंडिकेशंस थी। अच्छा जी, अब ये बेटा आपको जो है वो नजर आ रहा है बेसिकली एल्बो जॉइंट, जिसके जो है वो हमारे पास नजर आ रही है लिपिंग, नेक ऑफ रेडियस, रेडियल हेड, टिब्रोसिटी ऑफ रेडियस, कैपिचुलम है, ट्रोकलिया है, ओलिक्रोनन प्रोसेस है, ओलिक्रोनन फोसा है। अब अगेन कल हम एक ये एल्बो को मैंने आपको एक से दिखाया था और कोई स्टूडेंट जो था वो उनको एल्बो जो थी वो नी वाला रीजन बेसिकली लग रहा था, ठीक है बच्चों। तो ये अगेन वही बात है कि जब आप एक बार बार एक्सरेज जो है वो देखेंगे और खुद से उनकी जो है वो लेबलिंग करना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो एरिया का पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिससे आप जो है वो एक वो कर सकते हैं कि ये जो है वो कौन सा रीजन है, ठीक है। जैसे कि रेडियस का जो हेड है वो एक स्पेसिफिकली उसकी इस तरह की शेप होती है, ठीक है। फिर ओलिक्रोनन प्रोसेस जो है वो आपको डेफिनेटली नी में नजर नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ जो है वो एनाटॉमिकल मार्किंग्स माइंड में रखें और जब बार बार आप लेबलिंग करेंगे तो आपको खुद ही जो है वो आइडिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग गूगल से इमेजेस निकाल के, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको एज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप लेबलिंग जो है वो शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं और आपका सबसे ज्यादा जो इंट्रैक्शन होता है हमारा वो MRIs के साथ होता है या एक्सरेज के साथ होता है, ठीक है, और यहाँ सीटी स्कैन के साथ होता है। और सबसे ज्यादा अगर हम नंबर वन पे देखें तो एक्सरेज आपको जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास बेसिकली एक लैटरल व्यू है फॉर द एल्बो जॉइंट। ओके, देन कम्स द रिस्ट। रिस्ट एक्सरेज आर इंडिकेटेड फॉर अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स इंक्लूडिंग रिस्ट ट्रॉमा, सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, अगेन वही सारी है, ठीक है जी, बोनी टेंडरनेस, नॉन ट्रोमेटिक डिफॉर्मिटी, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी डिफॉर्मिटी जो कि जरूरी नहीं है कि किसी ट्रॉमा के बाद ही कोई डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि हमारी जो पोस्टर डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है, ठीक है। आप जो है वो आपको आदत है कि आप एक काम जो है वो उसी गलत पोजिशन में कर रहे हैं या गलत पोस्टर के साथ कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो फिर आपकी एक डिफॉर्मिटी उसी तरह से डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में भी फिर हम जो है वो
एक्सरे जो है वो करवाते हैं. देन नॉन ट्रॉमेटिक रिस्ट पेन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पेशेंट गिरा है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है या फॉल की हिस्ट्री है तो उसके बाद ही उसको कोई पेन आ सकती है. कभी कभी आपकी कोई इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू की जो है वो वीकनेस की वजह से या कोई सॉफ्ट टिश्यू के टीयर की वजह से भी क्या होता है कि आपको एकदम से वहाँ पे पेन जो है वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है. और रिस्ट आपको पता है रिस्ट हमारा एक बड़ा डेलिकेट सा जॉइंट है और यहाँ पे भी अक्सर अगर आपने कोई घर की शिफ्टिंग की है या कोई आपने ऐसा काम कर लिया एकदम से आपने भारी वेट उठा लिया है तो कोई अंदर सा जो आपका लिगामेंट है कोई सॉफ्ट टिश्यू है उसके ऊपर हल्का सा कहीं अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ गया है, ओवरलोड हो गया है वो, तो वहाँ पे भी आपको पेन जो है वो शुरू हो सकती है. So these are the specific indications in case of the wrist X-rays. ठीक है बच्चों, अब ये है हमारे पास ओब्लिक व्यू. और अगर आपको याद होगा कि जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमने जो स्मॉल जॉइंट है, ठीक है, स्पेसिफिकली हैंड और फीट, उनके लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा व्यू होता है वो हमें ओब्लिक व्यू में जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है कि क्या जो है वो डिफॉर्मिटी है या कोई फ्रैक्चर है या जो भी एबनॉर्मैलिटी है. अच्छा जी, अब आपके पास एक रिस्ट का नॉर्मल एक्सरे आ गया है, ठीक है जी. स्केफॉइड, कैपिटेट, हेमिटेट, पेसिफॉर्म, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, ट्रेपीजॉइड है, ट्रेपीजियम है, हुक ऑफ नेट है, ठीक है जी. यहाँ पे ये रेडियस है और ये अन्ना, ठीक है बच्चों. तो ये अब आपको इसकी जो है वो लेबलिंग आनी चाहिए. इसके अलावा यहाँ पे हैंड फुल शो नहीं हो रहा है, ठीक है. प्रॉक्सिमल इंटरटेंडियल जॉइंट, डिस्टल इंटरटेंडियल जॉइंट्स, वो भी आप जो है वो उसको जो है वो जरूर लेबलिंग करें, ठीक है. इसके अलावा मेटाकार्पल्स जो है, ठीक है, उसको भी जो है वो आप जरूर लेकर करें. अच्छा जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द अपर लिम एक्सरेज, ठीक है. अब हमने लोअर लिम की भी एक्सरेज देख ली है, ठीक है, कि उसमें आपने जो मेजर एनाटॉमिकल मार्किंग्स हैं उसको किस तरह से लेबल करना है और इस तरह से आपने अपर लिम में भी देखने हैं जो मेजर एनाटॉमिकल मार्किंग्स हैं उसको हमने किस तरह से लेबल करना है. और इसके अलावा उसके जो हमारे पास स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं वो कौन सी हैं, ठीक है. कुछ तो आपने देखा है कि स्पेसिफिक इंडिकेशंस जो है वो सेम ही है कि बोनी टेंडरनेस है, फ्रैक्चर है, ट्रॉमा है और डिसलोकेशंस हैं, ठीक है. तो ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी. चेस्ट एक्सरे जो है अगर आपके पास आए तो उसमें आपने स्पेसिफिकली कौन कौन से एरियाज पे जो है वो फोकस करना होगा. ओके जी, पॉइंट्स टू नोट व्हेन असेसिंग द चेस्ट एक्सरे, ठीक है जी. जब बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था बोन्स का लिए हमने पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ फाइंडिंग्स बताई थी कि ये फाइंडिंग्स आपने जरूर देखनी है, ठीक है. जिसमें हमने फ्रैक्चर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फ्रैक्चर लाइन को आपने किस तरह से देखना है. फिर मैंने आपको बताया था कि जो है वो कॉर्टिकल आउटलाइंस आपने देखनी होंगी, ठीक है ना. जॉइंट स्पेसेस आपने देखनी है कि वो नैरो तो नहीं हो रही है, कोई ऑस्टियोफाइट तो नहीं बने हुए. तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस किसके लिए थी, हमारे पास अपर एंड लोअर लिम की जो बोन्स है उसके लिए थी. इसी तरह से ही जब हमने चेस्ट एक्सरे देखना होता है तो उसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स जो है उनको माइंड में रखना होता है. नेम ऑफ द पेशेंट एंड डेट एंड टाइम ऑफ द एक्सरे, ठीक है जी. तो ये तो वैसे यूजली आपके एक्सरे के ऊपर मेंशन होता है कि किस डेट का एक्सरे हुआ है, क्या टाइम था उस वक्त, ठीक है. और पेशेंट का नाम जो है वो भी लिखा होता है. और इसके अलावा कल एक चीज मैंने आपको बताई थी कि साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, कि लेफ्ट आर्म का एक्सरे है या राइट आर्म का एक्सरे है, ये भी वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है. डेट से हमें ये पता चल जाता है कि वो ओल्ड एक्सरे है या न्यू एक्सरे है, ठीक है. और उसमें फिर फर्दर आप रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है. देन पोजिशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है जी. पेशेंट की पोजीशन क्या थी ड्यूरिंग द एक्सरे, ये चेस्ट एक्सरे स्पेसिफिकली, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आइदर इरेक्ट पोजीशन में लिया गया है, ठीक है, या किसी और पोजीशन में पेशेंट का जो है वो एक्सरे लिया गया है. क्योंकि यूजली ये होता है कि जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं अगर हमें उनका एक्सरे करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर अगर पेशेंट वेंट पे है, ठीक है, आपको पता है हम लोग पेशेंट को प्रोन लाइंग में भी वेंट पे डालते हैं, ठीक है ना. कोविड के पेशेंट में भी आपने ये सुना होगा लंग की कैपेसिटी जो है सर थोड़ी एनहांस हो जाती है इस तरह से, तो उस कंडीशन में भी हम फिर प्रोन लाइन में पेशेंट होता है. तो इस वजह से ये आपको पता जरूर होना चाहिए जब आप एक्सरे देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेशेंट जो था वो किस पोजीशन में था जब उसका एक्सरे जो है वो लिया गया, ठीक है बच्चों. उसके अलावा हमें जो इस एक्सरे में देखना होगा ट्रकिया, ठीक है जी. ट्रकिया की क्या पोजीशन है, ठीक है जी, वो सेंट्रली प्लेस्ड है या नहीं है. यूजली आपको पता है कि हमारी जो ट्रकिया होती है वो सेंट्रली प्लेस्ड होती है, ठीक है, राइट या लेफ्ट साइड पे डेविएटेड नहीं होती. कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो तो उसमें भी ट्रकिया अपनी जगह से डेविएट कर सकती है. देन आउटलाइन ऑफ द हार्ट, ठीक है जी, आपको एक्सरे के ऊपर हार्ट की आउटलाइन जो है वो जरूर पता होनी चाहिए. इसी तरह से जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है जी, ये देखें, ये हमने हार्ट की आउटलाइन बनाई हुई है, ठीक है, एक्सरे के ऊपर. देन आउटलाइन ऑफ द मीडियास्टिनम, ठीक है जी. मीडियास्टिनम आपको पता है जो बोथ लंग्स के दरमियान का एरिया है, उसकी भी आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए. देन डायफ्राम,
ठीक है जी, डायफ्राम कहाँ पे लोकेटेड है, उसका डायफ्राम का और हार्ट का जो बॉर्डर है वो क्या है, वो आपको एक्सरे पे इंडिकेट करना आना चाहिए। इसके अलावा लंग फील्ड्स, ठीक है जी, स्पेसिफिकली लंग फील्ड्स होती है एक्सरे के ऊपर, उसका भी आपको पता होना चाहिए। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है बोनी स्केलेटन, ठीक है जी, बोनी स्केलेटन है जो कि बेसिकली हमारे रिब्स हैं, क्लाविकल है, और जो आपके वर्टिब्रास हैं या जो आपकी स्पाइन है, ठीक है, वो भी हमें चेस्ट एक्सरे के ऊपर जो है वो नजर आ रही होती है, तो उसको भी आपने जो है वो माइंड में रखना है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट की नोट्स व्हाइल यू आर हैविंग टू असेस द चेस्ट एक्सरे। ओके जी, असेसिंग द चेस्ट एक्सरे, द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, इज द पेशेंट स्ट्रेट और रोटेटेड, ठीक है जी, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि पेशेंट इरेक्ट फॉर्म में था, ठीक है, सीधा लेटा हुआ था, या वो राइट साइड पे रोटेटेड था, या लेफ्ट साइड पे रोटेटेड था, या प्रोन पोजीशन में था। इफ स्ट्रेट, द इनर एंड्स ऑफ द क्लाविकल विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। This is important because any rotation will tend vertically to alter the appearance of the mediastinum and the hilar shadows. ठीक है बच्चों, तो अगर पेशेंट जिस पोजीशन में था फिर उसी तरह का एक्सरे जो है वो आपके पास आएगा। लेट सपोज हम कर लेते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो स्ट्रेट लेटा हुआ था, ठीक है, या स्ट्रेट उसने खड़ा होकर जो है वो चेस्ट का एक्सरे दिया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने क्या देखनी है कि जो क्लेविकल है दैट मस्ट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। ठीक है, जो मल्टीपल बॉडीज है हमें नजर आ रही, क्लेविकल का उनसे डिस्टेंस जो है वो बोथ साइड पे क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अगर बराबर नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि फिर मीडियास्टिनम और हाइलर शैडोज, हाइलर क्या होता है, हाइलम आपने सुना हुआ होगा, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द लंग जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन पास कर रही हो, वेसल्स जा रही होती है लंग्स के, ठीक है, वो फिर शैडोज जो है वो आपको चेंज नजर आएंगे अगर पेशेंट की पोजिशन स्ट्रेट नहीं होती। यहाँ से हम देखते हैं, देखें ये जो ये वाला पॉइंट है ये मैं आपको यहाँ से क्लियर करती हूँ कि स्ट्रेट है तो इनर एंड्स ऑफ द क्लेविकल विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, ये देखिए ये वर्टिब्रल बॉडीज आपको नजर आ रही है एक्सरे के ऊपर, ठीक है, ये है हमारे पास इनर एंड ऑफ द क्लेविकल्स। ठीक है, ये देखिए ये क्लेविकल बोन है ना, ये क्लेविकल बोन हो गई, ये इसके इनर एंड्स है, ठीक है, या जिसको हम मीडियल एंड्स कहते हैं, ये इसके मीडियल एंड्स है। ठीक है, तो अब दोनों साइड से अगर ये वर्टिब्रल बॉडी और ये इसका मीडियल एंड, ये दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस इधर भी इक्वल होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस इधर होना चाहिए। अब अगर आप ये एक्सरे देखो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देखें कि ये पेशेंट का राइट साइड है और ये कौन सा है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, आप देखिए ये इनर एंड ऑफ द क्लेविकल है, ये वर्टिब्रल बॉडी है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आप देखें ज्यादा है ना, ये वाला डिस्टेंस है। अब आप इधर देखो, ये इनर एंड ऑफ द क्लेविकल है, ये वर्टिब्रल बॉडी है, बिल्कुल आपस में साथ क्या हुई है, फ्यूज हुई है। इसका क्या मतलब है कि जो क्लेविकल है या उसका इनर एंड है दैट इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज। ठीक है, ये जो वर्टिब्रल बॉडी की मिड लाइन है इससे ये दोनों इक्विडिस्टेंट नहीं है। क्यों, इसका मतलब है कि यहाँ पे यहाँ तो शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हुआ होगा, ठीक है, या ये जो शोल्डर ज्वाइंट है इसमें कोई डिफॉर्मिटी होगी, या इसकी जो है वो रेंज लिमिटेड होगी। ठीक है, अब आपने अक्सर देखा है या आप आगे जाके देखेंगे कि जब आप पेशेंट शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट होता है या कोई भी शोल्डर की पैथोलॉजी के पास हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो वो हमें साथ साथ हमारी क्लेविकल को भी मोबाइल कर रहे होते हैं। ठीक है, या स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को भी मोबाइल करते हैं। उसका क्या रीजन होता है, उसका यही रीजन होता है कि जब शोल्डर पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑटोमेटिकली क्लेविकल जो है वो भी उसका जो पोजिशन है वो भी इफेक्टेड होगी। ठीक है, या उसकी मोबिलिटी जो है वो भी इफेक्टेड होगी। ठीक है बच्चों, तो एक तो मेजर पॉइंट आपने ये देख लिया कि क्लेविकल जो है वो मिड लाइन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी से इट मस्ट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके जी, देन द आउटलाइन ऑफ द हार्ट एंड द मीडियास्टिनम इज दिस नॉर्मल इन साइज, शेप एंड पोजीशन। ठीक है जी, हार्ट और जो मीडियास्टिनम है उसका साइज, उसकी शेप, उसकी जो पोजीशन है या जो उसकी लोकेशन है वो आपको नॉर्मल नजर आ रही है। ठीक है, ये तो नहीं है कि कहीं आपको ये हार्ट का साइज जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमीडियन, तो ये भी आपने नोट कर लेना। Then the position of the trachea. This is seen as a dark column representing the air within the trachea. Is the trachea centrally placed or deviated to other sides? ठीक है बच्चों, तो मैंने भी आपको बताया था कि ये जो हमारे पास नजर आ रही है आपको, ये chest X-ray पे एक black color की tube, ठीक है, centrally placed. That is basically the trachea. ठीक है, और इसको जो है वो centrally placed होना चाहिए। अगर ये centrally placed नहीं होगी या इधर या इस तरफ से आपको नजर आएगी तो इसका मतलब है कि कोई भी अंदर pathological जो है वो कंडीशन जो है वो पेशेंट के चल रही है। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो मेन आपने फोकस करनी ही करनी है कि पेशेंट की क्या पोजीशन थी। ठीक है, आपको नजर आ गया कि पेशेंट स्ट्रेट लेटा हुआ था, उसके बाद आपने क्लेविकल्स के एंड देख लिया, सेकंड आपने हार्ट और मीडियास्टिनम देख लिया, और थर्ड आपने किसके ऊपर फोकस करना है, ट्रेकिया की
पोजीशन के ऊपर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है कि इट मस्ट बी सेंट्री प्लेस्ड, डेविएटेड नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड व्यूज ऑफ अ रेडियोग्राफ। ठीक है जी, अब ये हमारे पास जैसे बाबा की हमने मैंने आपको व्यूज बताए थे, इसी तरह से चेस्ट एक्सरे में भी हमारे पास इंटीरियो पोस्टीरियर व्यू होता है और पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू होता है। ठीक है, डिफरेंस अगेन वही बात है कि नाम शो कर रहा है। इंटीरियो पोस्टीरियर व्यू का क्या मतलब है कि पेशेंट का जो एक्सरे डिटेक्टर होगा वो पोस्टीरियरली होगा और रेज जो है वो इंटीरियरली जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू है तो पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो डिटेक्टर जो रेज है वो उसके पोस्टीरियर से पास करी होगी और डिटेक्टर जो है वो उसके इंटीरियर एंड पे होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक आपको मेजर या जो बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है बिटवीन द एपी व्यू एंड द लैटरल व्यू, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, रेडियोलॉजिकल लंग ज़ोन्स। अब इसके अलावा बच्चों हम चेस्ट एक्सरे को जो है चेस्ट एक्सरे में लंग्स को जो है वो तीन ज़ोन्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, अपर जोन, मिडल जोन एंड लोअर जोन। ठीक है, क्यों डिवाइड करते हैं, इसलिए ताकि जब हमें रूल आउट करना होता है कि पेशेंट का कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि मिडल जोन ऑफ द राइट लंग इज अफेक्टेड, लेट सपोज। ठीक है, या हम कहेंगे कि अपर जोन ऑफ द लेफ्ट लंग इज अफेक्टेड या इट इज एक्यूमुलेटेड विद फ्लूइड। ठीक है, वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है, वहां पे जो है वो ब्लड एक्यूमुलेटेड है, वहां पे कोई पस एक्यूमुलेटेड है या कुछ भी एक्यूमुलेटेड है। तो ये एक मेडिकल टर्म के लिए हम जो है वो लंग जोन्स को रेडियोलॉजिकली थ्री जोन्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर जोन। अब इस तरह भी हो सकता है कि आपको जो है वो कोई भी इस तरह की चेस्ट एक्सरे की इमेज दिखाया जाए और उसमें आपको यहाँ पे कोई आपको वाइट वाइट सा एरिया नजर आ रहा हो। अभी तो ये आपको सारा ब्लैक नजर आ रहा है ना लंग, क्यों, क्योंकि लंग के अंदर एयर होती है, तो एयर आपको पता है कि एक्सरे के ऊपर ब्लैक शो होती है। ठीक है, तो ये एक हेल्दी लंग है। अगर यहाँ पे आपको ये सारा वाइट वाइट नजर आ रहा होगा, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन जो है पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप मुझे बताएंगे कि राइट लंग, मिडल जोन ऑफ द राइट लंग इज अफेक्टेड, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा वो फ्लूइड है, पस है, अब उसमें आप ना जाएं, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अपर, मिडल या लोअर जोन को हम किस तरह से चेस्ट एक्सरे के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज पीए व्यू एंड एपी व्यू। ठीक है, ये अब वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जाता है कि आप मुझे बताएं कि चेस्ट एक्सरे का एपी और लैटरल व्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी एक मैंने तो आपको सिंपल डिफरेंस बता दिया कि जिसमें रेज इंटीरियरली जा रही है या रेज जो है वो बॉडी से पोस्टीरियरली पास कर रही है। ठीक है, ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल सा था। इसके अलावा जो मेजर हमें चेंज नजर आता है पीए व्यू में क्या है, स्कैपुला इज सीन इन पेरिफेरी ऑफ थोरैक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखें, ये है स्कैपुला। ठीक है, इस एक्सरे में ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला है, तो ये हमें कहाँ नजर आ रही है, पेरिफेरी ऑफ थोरैक्स। ठीक है, ये थोरैसिक रीजन है, थोरैसिक रीजन का जो पेरिफेरल एरिया है उसमें हमें स्कैपुला जो है वो नजर आ रहा है, किस व्यू में, पीए व्यू। सेकेंड आ जाते हैं हम एपी व्यू, स्कैपुला आर ओवर द लंग फील्ड्स। ठीक है, ये लंग फील्ड्स है जो भी हमने आपको बताई है सारी। ठीक है, तो स्कैपुला आप देखिए इसके लंग फील्ड को क्या कर लिया है, ओवरलैप कर लिया। सो दिस इज द नंबर वन डिफरेंस दैट इन पीए व्यू स्कैपुला इज फाइंड आर सीन इन द पेरिफेरी ऑफ द थोरैक्स एंड इन एपी व्यू द स्कैपुला इज बीइंग ओवरलैप्ड बाय द लंग फील्ड्स। ठीक है बच्चों, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। सेकेंड, क्लेविकल्स प्रोजेक्ट ओवर द लंग फील्ड्स। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखेंगे जो क्लेविकल है ये क्लेविकल है, ये दोनों साइड पे क्लेविकल नजर आ रही है, ये हमें लंग फील्ड्स के ऊपर नजर आ रही है। ठीक है ना, ये लंग्स है नीचे और ऊपर आपको क्लेविकल्स नजर आ रही है। अब एपी व्यू में क्या है, क्लेविकल्स आर अबव द एपेक्स ऑफ द लंग फील्ड्स। ठीक है, एपेक्स ऑफ द लंग आपको पता है ना, ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज बेसिकली द एपेक्स ऑफ द लंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एपी व्यू में, एपेक्स ऑफ द लंग से ऊपर हमें क्लेविकल्स नजर आ रही है, लंग फील्ड्स के ऊपर नहीं है बल्कि एपेक्स ऑफ द लंग से भी थोड़ा सा ऊपर हमें क्लेविकल्स नजर आ रही है। सो ये दूसरा हमारे पास मेजर जो है वो डिफरेंस आ गया। थर्ड क्या है, पोस्टीरियर रिब्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, आपको पीए व्यू में जो पोस्टीरियर रिब्स हैं वो भी नजर आ रही है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये वाला बिल्कुल लाइट लाइट से शेड नजर आ रहा है आपको, ये लाइट से आपको लाइन नजर आ रही है। ठीक है ना, ओब्लिकली प्लेस जो है, इसी तरह से ये देखिए बच्चों, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ये हमें पोस्टीरियर रिब्स नजर आ रही है, किसमें नजर आ रही है, पीए व्यू में नजर आ रही है। अब इसी तरह से जो हमारे पास एपी व्यू है, पोजिशन सॉरी इंटीरियर रिब्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, एपी व्यू में हमारे पास इंटीरियर रिब्स का आपको शेडो नजर आ रहा है, ये वाला पोस्टीरियर रिब्स हमें नजर नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि पेशेंट आपके पास आया है और हमें लग रहा है कि उसको कोई ट्रॉमा हुआ है और उसको उसकी पोस्टीरियरली कोई रिब जो है वो डैमेज हो गया, ठीक है, तो आप उसको कौन सा व्यू जो है रिकमेंड करेंगे, एपी या पीए व्यू।
तो आप मुझे कहेंगे कि हम पीए व्यू रिकमेंड करेंगे. क्यों रिकमेंड करेंगे? क्योंकि पीए व्यू में हमें रिब्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रिब्स है, या पोस्टीरियर रिब्स जो है वो हमें इसीलिए जो है वो विजुलाइज्ड हो रही होती है. ठीक है. उसके अलावा बच्चों जो एक लास्ट डिफरेंस है दैट इज पोजिशन ऑफ मार्कर्स. पीए व्यू में जो है वो हमें क्लियरली नजर आ रहा होता है. पोजिशन ऑफ मार्कर्स बेसिकली क्या है? इट इज द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स. ठीक है. तो पीए व्यू में आप देखें कि हमें एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जरा अच्छे नजर आ रहे हैं, और जो एपी व्यू है उसमें हमें एनाटॉमिकल मार्क्स जो है वो अच्छे नजर नहीं आ. ठीक है. यहाँ पे आप देखें क्लेविकल पता चल रहा है, ये कोरोकोइड प्रोसेस पता चल रही है, ये डायफ्राम पता चल रहा है, ये हार्ट का शैडो अच्छा सा पता चल रहा है. एपी व्यू में हमें ये सब कुछ इतना अच्छा से क्लियर जो है वो हार्ट का शैडो भी इतना नहीं अच्छा पता चल रहा, डायफ्राम को भी नहीं जो है वो डिस्टिंग्विश हो रहा. ठीक है. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द एपी एंड पीए व्यू. और ये आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इमेज दिखा के, तो इन दोनों में जो है वो डिफरेंस पूछा जा सकता है. ओके जी. स्ट्रक्चर सीन ऑन अ पीए व्यू, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई. द ट्रेकियल लुमेन अपीयर एज अ वर्टिकल रेडियोसेंट शैडो अराउंड द एओर्टिक नकल, इट डेविएट्स स्लाइटली टू द राइट. ठीक है जी बच्चों. तो एक तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेकिया हमने देखनी ही देखनी है, तो हमें ट्रेकिया किस तरह की नजर आएगी? ब्लैक कलर की नजर आएगी, क्योंकि उसके अंदर एयर होगी. अब जो इम्पोर्टेंट और चीज है वो हमने ये देखना है कि जो ट्रकिया है वो डेविएट किस साइड पे कर रही है, सॉरी किस लेवल पे कर रही है. ठीक है. तो जो हमारा एओर्टिक नकल होता है, जिसको हम एओर्टिक नोच भी कहते हैं या एओर्टिक आर्च भी कहते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग एओर्टा के दरमियान का गैप होता है, ठीक है, वो उस लेवल के ऊपर ट्रकिया हमारे पास डेविएट करेगी. किस साइड पे डेविएट करेगी? राइट साइड पे डेविएट करेगी. ठीक है. अब आपसे अगेन वाइवा में पूछा जा सकता है कि हम चेस्ट एक्सरे देख रहे हैं तो ट्रकिया उसमें किस लेवल के ऊपर डेविएट करती है और किस साइड पे डेविएट करती है. ठीक है. तो आप मुझे बताएंगे कि ये राइट साइड पे डेविएट करती है और एओर्टिक नकल या एओर्टिक आर्च के लेवल पे जो है वो डेविएट करती है. ओके बच्चों. देन नॉर्मल मैक्सिमल कोरोनल डायमीटर 25 mm फॉर मेल्स एंड 21 फॉर फीमेल्स. ठीक है जी. अभी कोरोनल डायमीटर बेसिकली क्या है? जो ट्रकिया का डायमीटर है उसको हम कहते हैं कोरोनल डायमीटर. मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है 25 mm, और फीमेल्स में जो है वो 21 mm होता है. ठीक है. देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट, इज नेचुरली इस तरह का होता है. ठीक है बच्चों. उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जो जहाँ पे ट्रकिया बायफर्केट कर जाती है इनटू द राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि किस लेवल पे जो है वो बायफर्केट कर रही है. ये है हमारे पास सिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा. ठीक है. ये सिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा, इसकी लेवल पे ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर जो है वो क्या करेगी? डेविएट जो है वो कर जाएगी. ठीक है बच्चों. तो ये आपने देख लिया. उसके अलावा चलिए यहाँ तक ये जो है वो काफी है. अच्छा जी. नेक्स्ट, द सेंट्रल डेंस शैडो सीन ऑन एपी पीएचएस फिल्म मीडियास्टिनम हार्ट स्पाइन एंड स्टर्नम. ठीक है जी. ये हमारे पास अब हार्ट उसके अलावा स्टर्नम का जो है वो आपको, और ये मीडियास्टिनम जो दोनों लंग्स के दरमियान का एरिया है वो आपको नजर आ रहा होगा. With good centering, 2/3 of the cardiac shadow lies to the left of the midline and 1/3 to the right. अब जो important बात है इस slide के अंदर वो ये है कि हमारे पास midline कहाँ होती है. सबसे पहले तो ये देखें midline क्या होती है. ये midline है. ठीक है. ये यहाँ से हम ऐसे करके एक midline draw कर लेते हैं. ये midline आ गई. ठीक है. अब वो कहते हैं कि जब हम heart का shadow देख रहे होते हैं तो हमने क्या देखना है कि जो heart का shadow है या जो cardiac shadow है वो 2/3 जो shadow है वो कहाँ पे हो? लेफ्ट साइड पे हो. ठीक है जी. 2/3 हमारे पास लेफ्ट साइड पे नजर आना चाहिए और 1/3 जो है वो राइट साइड ऑफ द मिड लाइन पे नजर आना चाहिए. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो उसमें हमें कार्डिक शैडो किस तरह का नजर आता है या उसकी पोजीशन क्या होती है, तो आप मुझे कहेंगे कि अगर प्रॉपर सेंटरिंग के साथ, यानी कि प्रॉपर तरीके के साथ एक्सरे जो है वो, या डायरेक्ट पोजीशन में एक्सरे लिया गया पेशेंट का, तो 2/3 ऑफ द कार्डिक शैडो लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिड लाइन. ठीक है. एंड 1/3 lies on the right side of the midline. अगर आप midline का वर्ड नहीं बोलोगे बच्चों तो इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है. तो आपने ये प्रॉपरली देख लेना. इसके अलावा कार्डियोथोरेसिक रेशियो होती है, इसको बेशक आप इग्नोर कर देंगे. पीओ वीपीओ में आपको कितनी नजर आ रही होती है और चिल्ड्रंस में जो है ये कितनी होती है. ठीक है. आपने सिर्फ क्या देखना है? एपी और पीए व्यू में डिफरेंस, लंग फील्ड का आपको पता होना चाहिए. ठीक है. और उसके अलावा जो हार्ट का शेडो है हमें वो किस तरह नजर आ रहा होता है चेस्ट के ऊपर. ठीक है. ट्रकिया किस लेवल पे डेविएट कर रही होती है, किस लेवल के ऊपर बायफर्केट कर रही होती है, और जो बायफर्केशन का पॉइंट है जिसको हम कार्निया कहते हैं वो पता होना चाहिए, और कोरोनल डायमीटर का पता होना चाहिए. अच्छा जी. इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन.
अब यूजली ऐसे होता है कि जब अगर आप कभी देखें कि पेशेंट को चेस्ट एक्सरे जब हम जो है वो पेशेंट का ले रहे होते हैं तो हम पेशेंट से कहते हैं जी लंबा गहरा सांस खींचे, ठीक है। तो जब वो इंस्पायर्ड करता है यानी कि फुली इंस्पायर्ड करता है तो उसके लंग्स के अंदर जो है वो एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। तो आपको इस तरह का जो है वो एक इमेज नजर आएगा यानी कि एयर जो है वो आपको लंग्स के अंदर नजर आएगी, ब्लैक शैडो नजर आएगा। और जब पेशेंट एक्सपायर करेगा, ठीक है, तो आपको जो है वो एयर थोड़ी सी कम हो जाएगी लंग्स के अंदर, तो आपको जो है वो थोड़ा इस तरह से ग्रेश उसके साथ जो है वो इमेज जो है वो नजर आएगा, ठीक है। तो जब भी चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो हम देख लेते हैं कि पेशेंट को आइदर इंस्पायर्ड किया, जब उसने इंस्पिरेशन की थी, उसके लंग एक्सपेंडेड थे या उसके लंग्स जो थे वो एक्सपेंडेड नहीं थे ड्यूरिंग द एक्सरे, ठीक है। तो आपने कंफ्यूजन नहीं इसमें क्रिएट कर लेनी कि पेशेंट जो है वो यहाँ पे हमें व्हाइट व्हाइट शेडो नजर आ रहा था, इसका क्या मतलब है कि ये कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। ये इन्फ्लेटेड लंग्स नहीं है, ये इन्फ्लेटेड लंग्स है और ये डीफ्लेटेड लंग्स है। तो अगर डीफ्लेटेड लंग्स होंगे तो एयर उसके अंदर कम नजर आएगी, और अगर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे तो उसके अंदर एयर आपको ज्यादा नजर आएगी, ठीक है बच्चों। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर वाइवा के इन्फ्लेटेड और डीफ्लेटेड लंग्स या इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन अगर पेशेंट जो है वो चेस्ट एक्सरे के दरमियान में कर रहा होता है तो दोनों एक्सरे के ऊपर आपको लंग्स के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या शो होंगे। अच्छा जी, अब ये एक नॉर्मल जो है वो हमारे पास एक्सरे है, ठीक है, जिसकी जो है वो मार्किंग है। अब आपने देखना है, ये मैंने आपको बताया था कि ट्रकिया है, ये हमारे पास क्या है, एओर्टिक नकल है या एओर्टिक नोच है या एओर्टिक आर्च है। इसी लेवल पे हमारे पास ट्रकिया ने क्या करना है, डेविएट कर जाना है किस साइड पे, राइट साइड, ठीक है बच्चों। अब ये आपने देख लेना है एक्सरे में कि ये लेफ्ट साइड है और ये उसकी राइट साइड है, ठीक है। सेकेंड फिर हमने बताया था कि जो है वो ट्रकिया बाइफर्क कर जाती है T6 के लेवल के ऊपर, ठीक है जी, ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर ये हमें हार्ट शेडो नजर आ रहा है जो पीछे मैंने आपको बता दिया है कि मिड लाइन से 2/3 पार्ट जो है वो लेफ्ट होगा और 1/3 पार्ट जो है वो राइट साइड पे होगा, ठीक है। उसमें फिर हम लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल इसको जो है वो लेबल कर देते हैं। देन बच्चों ये है हमारे पास जो पोस्टीरियर रिब्स हैं, ये नजर आ रही है आपको, ये देखें ये जो लाइट शैडो नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली द पोस्टीरियर रिब्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर रिब्स हो गई, और जो ये वाला शैडो नजर आ रहा है आपको, ये वाली रिब्स है दैट इज बेसिकली द इंटीरियर रिब्स, ठीक है। अब किस तरह भी होता है कि पेशेंट को कोई चेस्ट की इंजरी हुई है, ठीक है, तो क्या हुआ है कि हमें लग रहा है कि पेशेंट जो है वो आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बता रहा है कि वहां पे उसको पेन आ रही है, ठीक है। तो रिब का भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो सकता है, यहाँ फ्रैक्चर हो सकता है, इधर फ्रैक्चर हो सकता है, तो हमें काउंटिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि ये क्लेविकल है, यहाँ से इसके ऊपर फर्स्ट रिब होती है, फर्स्ट, ये फर्स्ट रिब, सॉरी ये ना थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये होगी फर्स्ट, ये सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन, ठीक है। 8 और 9 यूजली आपको पता है कि जरा जो है वो हमें नजर आ रही होती है, वो सीरियली पड़ रही होती है, ठीक है। तो फर्स्ट 6 to 7 जो है वो आपको इंटीरियरली उसका इमेज जो है वो बहुत अच्छा नजर आएगा। देन इसमें जो एक और पॉइंट आपने देखना है दैट इज कार्डियोफ्रेनिक एंगल एंड ऑस्टोफ्रेनिक एंगल। कार्डियो इज फॉर हार्ट एंड ऑस्टो इज फॉर रिब्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो कार्डियोफ्रेनिक एंगल होता है वो क्या है कि ये जो मीडियास्टिनम है हार्ट और डायफ्राम के दरमियान का जो एंगल है दैट इज कार्डियोफ्रेनिक, ठीक है। अब आपने किस तरह याद रखना है कि फ्रेनिक क्या है, डायफ्राम है, तो कार्डियोफ्रेनिक एंगल कौन सा है, जो डायफ्राम और हार्ट के दरमियान का एंगल है, ठीक है। तो वो हमें इस लेवल पे हम उसको मार्क करते हैं बेसिकली। देन ऑस्टोफ्रेनिक एंगल यानी कि डायफ्राम, ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है जी, डायफ्राम और जहाँ रिब्स हमें इंटीरियरली खत्म होती हुई नजर आ रही है वहां पे जो एक जो है वो एंगल बन रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑस्टोफ्रेनिक एंगल। अब बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है, जो मैं आपको कार्डियोफ्रेनिक और ऑस्टोफ्रेनिक एंगल बता रही हूँ, क्योंकि अगर देखिए कार्डियो में गैली होगी, हार्ट का साइज इंक्रीज कर जाएगा तो ये एंगल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। या अगर पेशेंट की लंग्स जो है वो अफेक्टेड होंगे, उसमें कोई इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट की इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन अफेक्टेड होगी, ठीक है। तो पेशेंट का जो रिब्स हैं उनकी जो बेसिकली चेस्ट की एक्सपेंशन है, ठीक है, वो इफेक्टेड होगी। जब वो इफेक्टेड होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ऑस्टोफ्रेनिक एंगल है वो एक्सरे के ऊपर आपको अफेक्टेड नजर आएगा, ठीक है। सेकेंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बेसिकली द डायफ्राम, ठीक है जी, हमारे पास ये राइट हेमी डायफ्राम है एंड दैट इज द लेफ्ट हेमी डायफ्राम, ठीक है। ये पूरा डायफ्राम है, इसको हम हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसको हम हेमी डायफ्राम का नाम देते हैं, ठीक है। जो राइट साइड पे है दैट इज राइट हेमी डायफ्राम और जो लेफ्ट साइड पे दैट इज लेफ्ट हेमी डायफ्राम, ठीक है बच्चों। उसके अलावा ये आपको एक लिवर का जो राइट हेमी डायफ्राम है इसके नीचे हमें लिवर का एक शेडो जो है वो नजर आ रहा होता है, और जो लेफ्ट हेमी डायफ्राम है इसके नीचे हमें गैस्ट्रिक बबल
बेसिकली जो स्टमक का ही एक छोटा सा शेडो होता है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि लिवर जो है वो एक्सरे में आपको कहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में तो आप कहेंगे कि वो हमें राइट हेवी डायफ्राम के अंडर जो है वो नजर आएगा। इसके अलावा बच्चों जैसे अभी हमने पीछे एपी और पीए व्यू में देखा है स्कैपुला का शेडो भी आपको चेस्ट एक्सरे में जो है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपको जो नजर आ रहा है तो उसको भी आप वहाँ पे लेबल जो है वो कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी है या हाइलम जैसे भी हमने पीछे देखा था उसको भी आप मार्क कर सकते हैं, और जो वर्टिब्रास है ठीक है वो भी आप जो है उसको भी मार्क कर सकते हैं कि वन है टू है, ये थ्रेसिक वर्टिब्रास है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो नीचे से ये लंबर जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये मैम जी जी कोस्टोफ्रेनिक एंगल का दोबारा बताएंगी। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया है जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, फ्रेनिक इज बेसिकली फॉर डायफ्राम। ठीक है, कोस्टो का क्या मतलब है कि रिब्स। ठीक है, तो रिब्स और डायफ्राम के दरमियान का जो एंगल है दैट इज कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ठीक है, इसी तरह से कार्डियोफ्रेनिक एंगल कौन सा है कि डायफ्राम और हार्ट के दरमियान का जो एंगल है दैट इज कार्डियोफ्रेनिक। ओके, क्लियर हो गया बच्चा? ठीक है बच्चों, तो ये अब चेस्ट एक्सरे है, ये आपको इसकी सारी लेबलिंग सारी मार्किंग जो है वो आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास क्योंकि हमें फैमिली में कोई ना कोई पेशेंट या कोई ना कोई इस तरह से मिल ही जाता है जो आपको आप कहते हैं जी एक्सरे रीड करें। ठीक है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में होते हैं तो वहां पे आप जरूर देखें एक्सरे, और उस एक्सरे में फिर आपने ये सारी देखनी है कि मुझे रिब्स इंटीरियर रिब कहाँ नजर आ रही है, पोस्टीरियर रिब्स कहाँ नजर आ रही है। ठीक है, हार्ट का शेडो नजर आ रहा है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल किधर है, कार्डियोफ्रेनिक एंगल किधर है, राइट हेवी डायफ्राम किधर है, लेफ्ट किधर है, लिवर का शेडो किधर नजर आ रहा है, स्कैपुला किधर है, क्लेविकल किधर है। ठीक है, और फिर हमें जो बिल्कुल अभी मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि क्लेविकल का जो ये हमारे पास इनर एंड है और ये मिड लाइन है हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज की, ये दोनों साइड पे क्या होने चाहिए, इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये अब सारी पॉइंट्स आपको पता चल गए जो कि हमने चेस्ट एक्सरे के ऊपर देखने हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको बच्चों बताया था एपी व्यू और जो है वो पोस्टीरियर anterior posterior view and posterior anterior view. इसके अलावा जो हमारे पास एक view होता है that is basically the lateral view. A supplementary lateral projection may be useful for localizing the position of a lesion, encased pleural fluid and demonstrating interior mediastinal masses not shown on the posterior anterior projection. ठीक है, तो specifically कोई हमारे पास इस तरह का lesion है या कोई pleural fluid accumulate हुआ हुआ है या कोई mediastinum के अंदर कोई इस तरह का हमें लग रहा है कि abnormal mass पड़ा हुआ है जो कि हमें एपी या पीए व्यू के ऊपर क्लियर नहीं हो रहा, तो हम लैटरल व्यू जो है वो पेशेंट का चेस्ट का भी ले सकते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर वाइवा के व्हाई द लैटरल व्यू ऑफ द चेस्ट एक्सरे इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको जो तीन पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसके लिए ये व्यू जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। देन कम्स द टाइप्स ऑफ रेडियोग्राफ्स। ठीक है बच्चों, अब जो है वो हमारे पास प्लेन रेडियोग्राफ्स भी होते हैं और उसके अलावा जो है वो कंट्रास्ट के साथ भी जो है वो रेडियोग्राफ हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेन रेडियोग्राफ का मतलब है कि जिसमें आपने सिंपल रे जो है वो पेशेंट का एक्सरे किया। ठीक है, और आपके पास इस तरह का इमेज आ गया। जो कंट्रास्ट रेडियोग्राफ होता है उसमें क्या होता है कि हम कोई कंट्रास्ट कोई डाई जो है वो पेशेंट को कोई रेडियो आइसोटोप जो है वो पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और फिर जो है वो एक्सरे कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जब हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन तो उसमें मैंने आपको बताया था फ्लोरोस्कोपी। अब फ्लोरोस्कोपी में मैंने आपको इस तरह का एक इमेज दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें भी हम ये करते हैं कि वो डाई इंजेक्ट कर देते हैं और फिर हम विजुलाइज कर लेते हैं जो भी एरिया हमने देखना हो। ठीक है, तो ये पहले जब हमारे पास फ्लोरोस्कोपी टेक्निक नहीं थी तो हमने अगर किसी एरिया को बहुत ज्यादा विजुलाइज करना होता था उसके लिए हम क्या करते थे, फिर हम डाई इंजेक्ट करके एक्सरे फिल्म के ऊपर ही जो है वो उसको विजुलाइज कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि ये बच्चों आपको नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो यूरेटर्स है, दिस इज बेसिकली द ब्लैडर। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि पेशेंट का हमने किस एरिया को विजुलाइज करना है, वहां पे हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करके तो एक्सरे फिल्म के ऊपर भी जो है वो एक बेहतर तरह से इमेज को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आप यू शुड नो दैट व्हाट आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ द रेडियोग्राफ्स और एक्सरेस। ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चेस्ट एक्सरेस। ठीक है जी, चेस्ट एक्सरेस के बारे में भी हमने जितना था वो पढ़ लिया है। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एब्डोमिनल एक्सरेस। एब्डोमिनल एक्सरेज भी अब आपने चूंकि देखा है कि कहीं भी पेशेंट को एग्जाम से कोई राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे पेन स्टार्ट हो जाती है या किसी भी क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिन में पेन हो रही होती है तो हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को जो है वो रेफर कर देते हैं फॉर द अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन पेशेंट करवा रहा होता है। इसके अलावा जो है वो क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सरे हमारे पास फर्स्ट डायग्नोस्टिक टूल था
तो पहले, वैसे तो अब भी यूज होता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा हम एब्डोमिनल एक्सरे जो है वो पेशेंट को रेफर करते थे फॉर एनी काइंड ऑफ द एबनॉर्मेलिटी विच इज बीइंग सस्पेक्टेड इन द एनी क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिन। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब हमारे पास क्या नजर आएगा, ये देखिए आपको लिवर का एच नजर आएगा। ये अभी हमने पीछे यहाँ पे इस साइड में पढ़ा था कि राइट हेमिडायफ्रम के अंदर हमें लिवर का जो है वो शेडो नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमें जो ये राइट हेमिडायफ्रम है, ये लेफ्ट है, इसके नीचे हमें यहाँ पे पड़ा हुआ लिवर का जो है वो शेडो नजर आ रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो हमें ये देखिए, आप ये आपको शेडो नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द इंफीरियर पोल ऑफ द किडनी। ठीक है, तो एब्डोमिनल एक्सरे अगर हम कराते हैं और हमें लगता है कि पेशेंट के कोई इंफीरियर पोल ऑफ द किडनी में या इंफीरियर साइड ऑफ द किडनी जो है वहां पे कोई जो है वो कंक्रीट्स हैं, ठीक है, कोई स्टोन्स एक्युमुलेट हुए हुए हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। देन स्वास मेजर मसल, ठीक है जी, ये एक मेजर मसल है हमारे पास जिस बेसिकली जो कि हमारे हिप की फ्लेक्शन करवा रहा होता है। ठीक है, इसका भी इमेज आपको एब्डोमिनल एक्सरे के ऊपर जो है वो नजर आ रहा होता है। टेक्निकल मैम, एस्पेक्ट, जी, अगर पेशेंट को लोअर बैक में पेन आ रही है तो हम उसे स्पाइन का एक्सरे रेफर करेंगे या एब्डोमिनल एक्सरे? नहीं नहीं बच्चे, अगर बैक पेन में आ रहा है ना तो फिर तो हम करेंगे लंबोसेक्रल एक्सरे। ओके लंबोसेक्रल स्पाइन का एक्सरे। अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर सुना होगा तो उससे मैंने आपको कल दिखाया था और मैंने ये कंडीशन भी बताई थी कि अगर आपके पास पेशेंट आता है लोअर बैक पेन के साथ, जिसको हम लम बैक वो भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोअर बैक पेन आती ही आपको तब है जो कि जिसमें आपके जो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स हैं वो सारे स्पैजम में आ जाते हैं, ठीक है, टाइट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे हम पेशेंट को लंबोसेक्रल एक्सरे देते हैं और उसमें हमारे पास फाइंडिंग्स क्या आती है कि आपको लंबोसेक्रल स्ट्रेटनिंग नजर आती है। ठीक है, जिसको हम स्पाइन की स्ट्रेटनिंग कहते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है कि स्पाइन की स्ट्रेटनिंग जो है वो किस कंडीशन में हो सकती है। आप बताएंगे उस कंडीशन में जिसमें हमारे जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं वो स्पैजम में आ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से स्पाइन जो है वो हमें स्ट्रेटन जो है वो नजर आती है। ओके, सो टेक्निकल एस्पेक्ट्स, चेक दैट इट इज स्टैंडर्ड सुपाइन एपी प्रोजेक्शन। अदर प्रोजेक्शंस इंपॉर्टेंट इन सर्जिकल एब्डोमेन इंक्लूड डिक्युपिटस रेडियोग्राफ और इरेक्ट चेस्ट रेडियोग्राफ, फील्ड ऑफ एक्सपोजर आइडली डायफ्राम टू इंटरनल ऑरिफिसेस एंड लेफ्ट टू राइट एब्डोमेन। अच्छा, अब इसमें वैसे आपके इतने इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास या तो डिक्युपिटस फॉर्म है, ठीक है, यानी कि इस तरह से चेस्ट एक्सरे लिया जा रहा होता है, ठीक है, या फिर इरेक्ट या सुपाइन में जो है वो एक्सरे लिया जा रहा होता है चेस्ट का। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पेशेंट जो है वो किस पोजीशन में उसका एक्सरे लिया गया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेस्ट एक्सरे को देखने के लिए। ठीक है, तो आप जो ज्यादा फोकस करें वो एपी व्यू के ऊपर ही करें या सुपाइन व्यू के ऊपर जो है ही फोकस करें। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास मार्किंग्स होती है जो हमें चेस्ट एक्सरे की लेनी होती है, वो क्या होता है, डायफ्राम से लेके, ठीक है, हर्नियर ऑरिफिसेस एंड लेफ्ट टू द राइट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, यानी कि ये डायफ्राम, यहाँ पे आपको पता है हमारे पास डायफ्राम हो रहा है, जहाँ पे रिब केज खत्म हो रहा है वहां से नीचे डायफ्राम पड़ा है। ठीक है, तो डायफ्राम से लेके जो हमारे पास राइट या लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन भी कह सकते हैं, ज्यादा आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ तो आपको पता है यहाँ पे आपकी इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पड़ी होती है। ठीक है, तो डायफ्राम से लेके जो इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है, ठीक है, वहां तक का हम एक्सरे इमेज लेते हैं, किसके लिए, अगर हमने एब्डोमेन को विजुलाइज करना हो, ठीक है, या एब्डोमेन का एक्सरे लेना हो। इंडिकेशंस फॉर एब्डोमेन एक्सरे, टॉक्सिक मेगाकोलोन इन एक्यूट इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। ठीक है जी बच्चों, अब इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम एक हमारे पास सिंड्रोम होता है जिसमें आपका जो बॉवल मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, या तो पेशेंट को कभी कभी बहुत ज्यादा डायरिया हो जाता है, या उसको बहुत ज्यादा वॉमिट्स आना शुरू हो जाती है, या उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतलब उसका जो नॉर्मल हमारा फंक्शन है स्टमक का, ठीक है, वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बॉवल मूवमेंट्स उसकी डिस्टर्ब होती है, कभी उसको जो है वो गैसेस का इशू हो जाता है, ठीक है, कभी उसको जो है कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया हो जाएगा, कभी उसको जो सारे वॉमिटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है वो आना शुरू हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि अंडरलाइन कंडीशन जो है वो क्या है। अब यहाँ पे आपको जो एक एब्डोमिनल एक्सरे दिखाया गया है उसमें वो दिखा रहा है टॉक्सिक मेगाकोलोन। ठीक है, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कोई पॉइजनस इन्फेक्शन जो है वो हो गया है और वो एनलार्ज होके इस तरह की आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी हमने एब्डोमिनल एक्सरे पेशेंट को जो है वो रिकमेंड कर दिया है। अभी अगेन मैंने आपको बताया कि हम एक्सरे भी रिकमेंड कर सकते हैं और इसके अलावा हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी ये सारा कुछ जो है वो विजुलाइज हो जाता है। तो अगर आपसे कोई एक स्पेसिफिक इंडिकेशन पूछा है एब्डोमिनल एक्सरे की, तो आप मुझे ये इंडिकेशन जो है वो बता सकते हैं। ओके, वी प्रोटोकॉल एब्डोमिनल एक्सरे, जैसे मैंने आपको काफी सारी चीजें पीछे बताई हैं,
क्या आपने रिब्स देखनी है, आपने जो है वो लंग के जोन्स देखने हैं, ठीक है। उसके अलावा कंट्रिशंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली स्टोन्स होते हैं, हमने अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन देखते हैं, किडनी में देखते हैं, ब्लडर में देखते हैं, पेंक्रियाज में, अपेंडिक्स में, कहीं भी कोई पड़ा हुआ है आपके पास स्टोन है, आपको लग रहा है पेशेंट की, जिसको हम कंट्रिशंस कहते हैं, तो हम एब्डोमिनल एक्सरे करा सकते हैं, कैल्सिफिकेशन हुई हुई है, ठीक है, कहीं पे कोई एक्यूमुलेशन हुई हुई है कैल्शियम की, ठीक है, वो हमने देखना है, रिब में है, कहाँ किस लेवल पे है, तो हम एब्डोमिनल एक्सरे करा सकते हैं। मिसलिनियस कंडीशंस है, ठीक है, कोई भी मेटालिक डेंसिटीज हैं, मेटालिक कोटेड टैबलेट्स, फॉरेन बॉडीज हैं, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी वगैरह चली गई है, तो उसमें भी हम एक्सरे जो है वो करवा के देख सकते हैं, ठीक है। अगर एब्डोमिन में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने कुछ जो है वो फॉरेन बॉडी को जो है वो खा लिया है, ठीक है, तो उसके स्टमक के अंदर हमें फॉरेन बॉडी एब्डोमिनल एक्सरे के ऊपर भी जो है वो नजर आ सकती है, ठीक है। इसी तरह से मेजर ऑर्गन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर नजर आ सकता है हमें, स्टमक नजर आ रहा होता है, ठीक है, या आपको ब्लड नजर आ सकता है एब्डोमिनल एक्सरे पे, तो अगर उसमें भी हमने कोई उसको विजुलाइज करना हो तो आप एब्डोमिनल एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके अलावा गैसेस अगर पड़ी हुई है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कोलोन में, आपको लगता है कि वहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन हुई हुई है एक्स्ट्रा गैसेस की, तो भी हमें जो गैस्ट्रिक बबल्स हैं वो वहाँ पे नजर आ सकते हैं। इसके अलावा श्वास मेजर मसल या श्वास मेजर मसल के जो मार्जन्स हैं वो भी आपको एक्सरे के ऊपर, एब्डोमिनल एक्सरे के ऊपर जो है वो नजर आ सकते हैं। सॉफ्ट इश्यूज आर द ऑर्गन्स, लिवर, लंग बेसिस, श्वास मसल्स, किडनी, स्पीन, ब्लैडर, ठीक है जी। ये अब बेसिकली हमारे पास एक एब्डोमिनल एक्सरे है जिसमें ये हमारे पास श्वास मेजर मसल हमें नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द डिसेंडिंग कोलोन, ये हमें पोस्टीरियरली 12th रिब नजर आ रही है, ये बेसिकली आपके पास किडनी है, राइट किडनी, ये जो शैडो नजर आ रहा है, ठीक है, और ये जो शैडो नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द राइट एंड लेफ्ट किडनी, ठीक है। ये अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि इंफीरियर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी, इस तरह से इंफीरियर पोल ऑफ द राइट किडनी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हमारे पास शैडो नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली फॉर द लिवर, ठीक है जी। और इसके अलावा स्प्लीन बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पे तो नहीं नजर आ रही, लेकिन आपको अगर अच्छा इमेज लिया हो तो वहाँ पे भी आपको नजर आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमें वर्टिब्राज भी जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। फिफ्थ वर्टिब्रा है, फोर्थ है, थर्ड है, कौन सा है, और सैक्रम भी जो है वो आपको एब्डोमिनल एक्सरे के ऊपर नजर आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने लंबोसैक्रल स्पाइन को देखना हो तो हम जरूरी नहीं कि एब्डोमिनल एक्सरे ही करवाएंगे, सैक्रम को विजुलाइज करने के लिए आप लंबोसैक्रल एक्सरे भी जो है वो पेशेंट को जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको स्पेसिफिक जो सॉफ्ट टिश्यूज एब्डोमिनल एक्सरे पे नजर आएंगे वो ये सारे हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है जी बच्चों। मैंने आपको बता दिया कि अपर लिम्ब में कौन कौन सी मेजर जॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसके हम एक्सरेज पेशेंट को रेफर करते हैं, और कौन कौन सी स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जिसके लिए करना है, किस तरह से आपने उसकी लेबलिंग करनी है वो आपको पता होना चाहिए। देन मैंने आपको बताया कि चेस्ट एक्सरे की इंटरप्रिटेशन अगर आपने करनी है तो उसमें कौन से पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स जो कि आपने देखने हैं, ठीक है जी। ट्रेकिया देखना है, ट्रेकिया मिड लाइन पे पड़ी हुई है, नहीं पड़ी है, सेंट्रली प्लेस्ड है, किस लेवल पे डेविएट कर रही है और किस लेवल पे बायफर्केट कर रही है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में हाइलम आपको उसका शैडो किधर नजर आ रहा है, उसके अलावा जो है वो आपको हार्ट का शैडो मिड लाइन से कितना राइट साइड पे है, कितना लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। पोस्टीरियर रिब्स आपको कहाँ नजर आ रही है, इंटीरियर रिब्स किस तरह से विजुलाइज हो रही है, ठीक है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल किधर बन रहा है, कार्डियोफ्रेनिक एंगल किधर बन रहा है, और उसके अलावा जो है वो राइट एंड लेफ्ट हेमिडायफ्राम कहाँ है, ये सारे जो है वो आपको मैंने बेसिकली जो चेस्ट एक्सरे है उसका ज्यादातर कंडीशन जो बताई है वो सारी आपको मैंने नॉर्मल बताई है, ठीक है। अब इस लेवल पे अगर हम ये डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा कि जो है वो चेस्ट एक्सरे की क्या कौन सी पैथोलॉजीज हो सकती है, तो वो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करना। तो एटलीस्ट आप नॉर्मल जो है वो उसको लेबलिंग करना जो है वो सीख लें, ठीक है। जब आप नॉर्मल कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अगर कोई एक्सरे के अंदर वो नॉर्मल चीज नजर नहीं आएगी, नॉर्मल फाइंडिंग नजर नहीं आएगी, तो उसका क्या मतलब है कि वो क्या है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। जैसे कि एक कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती है जिसमें जैसे निमोथोरेक्स है, उसमें हमारे पास जो हेमीडायफ्राम होता है वो थोड़ा सा हाई चला जाता है, ठीक है, अपने लेवल से थोड़ा सा अप नजर आएगा आप, ठीक है। तो वो फिर आपको मुझे पता होगा कि नॉर्मल हेमीडायफ्राम किस तरह का होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ये जो एक्सरे है एब्डोमिनल फाल्गुमा तुम मर्द बीवी के पीछे पड़ते हो, अगर सबकी देख मानते अपने अपने शौहरों के बारे में पोस्ट लगाने शुरू की तो तूफानों का रोक। ओके, देन टाइप्स ऑफ एक्सरेज बच्चों, फिर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टाइप्स हैं एक्सरेज की, ठीक है। टेन था और कंट्रास्ट
रेडियोग्राफ्स थे एंड लास्टली हमने जो है वो डिस्कस किया है दैट इज बेसिकली द एब्डोमिनल एक्सरेस. ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि उसमें भी हमारे पास जुपिटर्स व्यू भी हो सकता है और एबी व्यू यूजली लेते हैं. डायफ्राम से लेके इंटीरियर सुपीरियर आयरिक स्पाइन तक का जो एरिया है उसको हम विजुलाइज करते हैं. कौन से स्पेसिफिक चीजें आपने एब्डोमिनल डायफ्राम में देखनी है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. कौन से सॉफ्ट टिश्यूज आपको नजर आएंगे, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो ओके ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. हां जी, अब किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ था. हेरा तक जी बच्चे. मैम मैंने इसे लेक्चर में से पूछना है. मैम कंट्रास्ट रेडियोग्राफ बता दें दोबारा. जी जी सॉरी, कंट्रास्ट रेडियोग्राफ की एक स्लाइड आई थी ना, आप उसे दोबारा बता दें. ठीक है बेटा, कंट्रास्ट रेडियोग्राफ में मैंने आपको ये बताया था, एक सेकंड में स्लाइड से दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, देखिए जहाँ कंट्रास्ट आ जाता है ना, सिंपल सी बात है, आप ये याद रखें, जहाँ कंट्रास्ट आ गया उसका क्या मतलब है कि हमने रेडियोग्राफ के साथ या किसी भी चीज के साथ किसी चीज को ऐड किया, ठीक है, किसी डाई को ऐड किया, किसी को मेडिकेशन इंजेक्ट किया है, रेडियो आइसोटोप जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हमने किस साइड को जो है वो देखना है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेशेंट आया है और हमें लग रहा है कि उसकी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि रेक्टम के थ्रू उसके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी कंट्रास्ट को, किसी भी डाई को इंजेक्ट करेंगे. ठीक है, वो डाय जब इंजेक्ट हो जाएगा तो वो जाके उस एरिया को इस तरह से विजुलाइज कर देगा. उसके बाद हम पेशेंट का इस तरह से एक्सरे इमेज ले लेंगे तो हमें ये पूरा नजर आ जाएगा कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मल मैस तो नहीं पड़ा हुआ, कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुआ हुआ. ठीक है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है. सेम अगर हमने ब्लैडर को जो है वो विजुलाइज करना था तो हम ब्लैडर के अंदर जो है वो कोई इंजेक्ट डाय कर देंगे और उसको एक्सरे इमेज के ऊपर देखेंगे प्रॉपर तरीके के साथ कि किस तरह से जो है वो ब्लैडर के अंदर कोई मसला था. ठीक है, बेसिकली यानी कि कंट्रास्ट का ये मतलब है, कंट्रास्ट रेडियोग्राफ यानी कि वो रेडियोग्राफ, वो एक्सरे जिसमें हमने खाली एक्सरे इमेज नहीं लिया पेशेंट का, कोई कंट्रास्ट पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया और उसके बाद एक्सरे जो है वो. ठीक है मैम, एक और चीज है, आपने कहा था लंबर स्ट्रेटनिंग कुछ मसल के स्पैजम्स होती है, उन मसल्स का आपने नाम बोला था, आप एक दफा दोबारा बता देंगे. जी जी बेटा, जो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स है ना, पैरास्पाइनल मतलब जो स्पाइन के बोथ साइड्स में मसल्स अटैच है. ठीक है, क्वाड्रेटस सेम्पोरम है, स्वास मेजर है, इलियाकस है, जितने भी मसल्स हैं अगर ये टाइट हो जाए तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेटनिंग जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है, पैरास्पाइनल मसल्स. ओके मैम. मैम और एक और चीज है, आपने वो डिफरेंस जो बताया पीए और एपी, वो ये है ना, पोस्टीरियर इंटीरियर और इंटीरियर और पोस्टीरियर. जी जी बिल्कुल, एपी व्यू इज इंटीरियर पोस्टीरियर और पीए व्यू इज पोस्टीरियर इंटीरियर. मैम जी जी मैम, जब हम इंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू लेते हैं तो हमारे पास कौन सा व्यू आता है, चेस्ट का, उसका पोस्टीरियर व्यू आता है कि उसका इंटीरियर व्यू आता है? किसमें किसमें जरा क्वेश्चन दोबारा करें बेटा. मैम जब हम इंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू लेते हैं तो हमारे पास पोस्टीरियर व्यू आता है चेस्ट का? बेटा देखें, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. पेशेंट अगर खड़ा हुआ है एक्सरे मशीन के आगे, ठीक है, और अगर रेज उसके फ्रंट साइड ऑफ द चेस्ट से पास कर रही है, ठीक है, तो ये कौन सा व्यू आएगा? एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू आएगा. ठीक है, और अगर पेशेंट एक्सरे मशीन के सामने खड़ा हुआ है और उसकी रेज जो है एक्सरेज पास कर रही है पोस्टीरियर साइड से, बैक से, तो हमारे पास पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू आएगा. ठीक है, बच्चों इसके अलावा जो मैंने आपको इतने सारे मेजर डिफरेंसेस बताए हैं वो सारे आपको जरूर पता होने चाहिए. मैम लेटरल व्यू बता दें चेस्ट का, वो क्यों जरूरी है? बेटा लेटरल व्यू या मैंने आपको बताया था, हाँ जी, लेटरल व्यू जो है वो हम इससे करा रहे होते हैं कि अगर कोई हमें लगता है कि कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है मीडियास्टिनम के अंदर या कोई मैस पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि हमें एपी या पीए व्यू के ऊपर प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम भी लेटरल व्यू करके उसको जो है वो देख लेते हैं कि वो मैस या जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ. ठीक है जी, मोहम्मद नुमान आपने हैंड रेज किया हुआ था बेटा, बताएं. मैम वो मैंने ये पूछना था कि वो अक्सर हम ये सुनते हैं, मैंने ये कंडीशन काफी देखी है, लंबोसेक्रल स्ट्रेन होता है तो उसमें एमआरआई को प्रेफर करते हैं, एक्सरे को नहीं करते हैं, इसकी क्या वजह है? स्ट्रेन में कह रहे हैं आप? अच्छा बच्चे, स्ट्रेन लंबोसेक्रल एक्सरे जो है ना, अब देखिए मैंने आपको भी बताया था बेटा, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे ना तो आपको बड़ी सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी. अब मैं इस लेवल पे आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगी
तो आपको बेसिक समझ नहीं आएगी। इसमें इस तरह होता है कि अगर पेशेंट आपके पास सिंपल आया है और उसके पास आप उसके जो पेन का लेवल है ना, ठीक है, आपको पता है हमारे पास पेन स्केल होता है, आपने एससीपी में पढ़ा होगा 10 तक पेन स्केल होता है, ठीक है। तो पेन स्केल में फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट से पूछते हैं कितनी पेन है आपको, ठीक है, वो कहता है जी मुझे 10 में से जो है वो बहुत थोड़ी सी पेन है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, 4-5 पेन है, लेट्स सपोज, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोई और साइन नजर नहीं आ रहा, पेन रेडिएट नहीं कर रही, आप पेन की टाइप्स पड़ी होंगी, ठीक है, पेन रेडिएट नहीं कर रही है, लोकलाइज्ड पेन है, उसी एरिया में पेन है, कमर की एरिया में पेन है, टांग में दर्द नहीं जा रही है, या एब्डोमेन की साइड पे पेन नहीं आ रही है, ठीक है, ग्रोइन में पेन नहीं जा रही है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो पेशेंट को कोई और साइन नहीं आ रहा, न्यूरोलॉजिकल कोई साइन नहीं आ रहा, पेशेंट को नंबनेस नहीं आ रही, उसका सुन नहीं हो रहा वहां पे, उसको कोई हैवीनेस नहीं फील हो रही है, ठीक है। ये सारे साइंस अगर नहीं आ रहे ना, सिंपल पेशेंट आपको कमर की दर्द का बता रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, लंबोसैक्रल एक्सरे कह देते हैं, क्योंकि हमें साफ पता चल जाता है कि इसको सिर्फ जो है वो टाइटनिंग हुई है इसके मसल्स की, तो हम इसको एक्सरे कह देते हैं। अगर हमें लगता है कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहा है, कहीं पे कोई नर्व भी इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, या डिस्क स्लिप हुई हुई है पेशेंट की, ठीक है, जैसे मैंने आपको कल एक एक्सरे दिखाया था और उसे मैंने आपको बताया था कि डिस्क स्लिप हो जाती है, ठीक है, तो फिर पेशेंट आपको बड़ी एक शूटिंग सी शार्प सी पेन के बारे में बताता है, उसका पेन स्केल का भी 10 में से 10 कहता है मुझे दर्द हो रही है, ठीक है। पेशेंट की गेट आप देखेंगे चल के आ रहा होगा, उसे चला भी नहीं जा रहा होगा, वो आपको बताएगा कि मैं 5 मिनट से ज्यादा खड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ बेटा इसको हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस, ठीक है। अगर आपको पेशेंट को रेड फ्लैग साइंस हमें नजर आ रहे हैं ना पेशेंट में, कि उसकी एक्टिविटीज भी डिस्टर्ब हो गई हैं, उसकी पेन का स्केल भी इतना ज्यादा हाई है, उसको नमनेस भी आ रही है, उसके टांगों में उसको हैवीनेस भी लग रही है, ठीक है, ये सारे साइंस आ गए हैं, रेड फ्लैग साइन आ गए, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है उसकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो गई है, ठीक है। तो फिर हम एक्सरे नहीं कहते, फिर हम उसको एमआरआई ऑफ द लंबोसैक्रल स्पाइन कहते हैं, ठीक है मैम। मैं मतलब ये जो आप बता रही थी अभी, ये वही कंडीशन थी आपने वो जो बताई है कि वो पेशेंट था प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का, तो काफी ज्यादा इश्यूज थे यही कि नमनेस भी फील होती थी और सही एक्टिविटीज भी नहीं होती थी, इसी वजह से फिर एमआरआई रिकमेंड किया होगा। हाँ जी, ठीक है, यानी कि जहाँ बच्चे आपको रेड फ्लैग साइन नजर आ रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि पेशेंट को जो है वो ज्यादा दर्द है, उसको एक्टिविटीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब है कि कोई ज्यादा अंदर मसला मत है, ठीक है ना, कोई नर्व इम्पिंज हो रही है, कुछ डिस्क जो है वो बल्ज हो रही है, ठीक है। तो वो अब साइंस एंड सिम्टम होते हैं, स्पेसिफिकली नर्व के साइंस हमारे पास आते हैं, डिस्क बल्ज के डिफरेंट साइंस होते हैं, फिर आप जब इंशाल्लाह आगे जाएंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं, फिजिकली असेस कर रहे होते हैं, तभी हमें पता चल जाता है कि उसको डिस्क बल्ज है या नहीं है, ठीक है। और जब आप और ज्यादा सीनियर हो जाते हैं, फिर तो आपको पेशेंट एंटर होता है आपके रूम में, तो आपको पता चल जाता है उसके चलने के स्टाइल से कि पेशेंट जो है वो कितना डिस्टर्ब है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट इसलिए वो सारे बच्चे मतलब आप देखें हमारा जो मैंने आपको LMS पे अपडेट करी हूँ और जो गूगल ड्राइव के थ्रू मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है, उस सब में आज हमारा 7th लेक्चर बन रहा है। तो आज तक के जो लेक्चर्स है ना बेसिकली, यानी कि एक्सरे पूरा आज हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फ्लोरोस्कोपी होगा, ठीक है। तो यानी कि फ्लोरोस्कोपी से पहले पहले जो हमने जितने अभी लेक्चर्स पढ़ लिए हैं वो सारे आपके ओरल वाइवा टेस्ट में जो है वो इंक्लूडेड होंगे। मैम आज वाला मैम आज ही बच्चे आज वाला भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना, आज वाला भी इंक्लूडेड होगा। हाँ जी बताएं बेटा। मैम वो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कोरोनल डायमीटर वहां पे मेंशन था मैम, वो तो मतलब कि अगर इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लेते हैं उसमें कैसे आएगा कोरोनल डायमीटर जो है? बेटा कोरोनल डायमीटर ना हम इस तरह नहीं लेते, कोरोनल डायमीटर ट्रांसवर्स स्केल के साथ मेजर करते हैं एक्सरे के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो मैंने आपको इस वजह से इसकी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं बताई है क्योंकि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका वो काम नहीं है कि आप कोरोनल डायमीटर को मेजर करें, ठीक है। वो हमारे पास जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वही मेजर करके हमें बता देते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल कोरोनल डायमीटर है वो मेल्स में कितना है और वो फीमेल्स में कितना है, बस, ठीक है। मैम आपने एक बताया था पॉइंट के जहाँ पे बाइफर्केशन होती है वहाँ पे, उसका एक नाम लिया था आपने,
जी वो आप लोगों ने बेटा उसमें भी पढ़ा होगा कैरिनिया CARINA कैरिना जिसको आपने नेट में भी पढ़ा होगा कि जिस लेवल पे बाइफरकेशन हो गई होती है ट्रेकिया की दैट इज द कैरिनिया लेवल। जी बच्चों एनीथिंग एल्स? नो मैम। नो मैम सारे स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें ओरल टेस्ट के लिए, ठीक है? अगर आपसे जितने भी क्वेश्चंस किए गए हैं आप 100% क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको वहां पे मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है? अब आपके नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह आपको पता है कि आपके मिड टर्म भी होंगे तो ये हमारे सारे लेक्चर्स अभी आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों? तो इसलिए आप इसके ऊपर फोकस करें और अच्छे से पढ़ें। अगर नहीं समझ आता तो वो फिर आप मुझसे किसी भी लेक्चर में पूछ सकते हैं। ओके मैम। मैम वैसे हमारे क्विज हैं सारे सब्जेक्ट्स के तो आज वाला लेक्चर एक्सक्लूड कर दें, पहले ही बहुत ज्यादा बर्डन है। बस 7 लेक्चर्स हैं सिर्फ, आप देखिए आधी साइड में तो हमारे पास सिर्फ इमेजेस है ना। यस मैम। इमेजेस भी तो याद करने होते हैं ना। कोई बात नहीं बेटा हो जाएगा, आप लोग ट्राई करें। अभी तो पूरा मैम ठीक है इतने लेक्चर्स, ठीक है ट्राई करें, कोई बात नहीं इंशाल्लाह तो उसे मुश्किल नहीं होगी। आप प्रिपरेशन स्टार्ट तो करें, ठीक है? ओके बच्चों टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।